राधे राधे दोस्तों, भ्रद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा जी का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि व्रस भानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। श्री कृष्ण जी राधा जी के बिना अधूरे हैं और राधा जी श्री कृष्ण के बिना अधूरी हैं। जन्माष्टमी के लगभग 15 दिनों बाद राधाष्टमी पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत रखता है, राधाष्टमी व्रत नहीं रखता, उसे जन्माष्टमी का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसे जो भी व्यक्ति सच्चे मन से राधा जी की आराधना करता है, उसे सभी प्रकार के सुख और साधनों की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, राधा कृष्ण जिनके ईष्ट हैं उन्हें ये व्रत हमेशा करना चाहिए। इनके भक्तों के घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। माना जाता है कि इस दिन राधा जी से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। संतान और पति की आयु के लिए भी इस व्रत को महत्व दिया जाता है। आइए अब आपको राधाष्टमी की व्रत कथा के बारे में बताते हैं। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, उसी समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। यह सुनकर राधा जी क्रोधित हो गईं, श्री कृष्ण के पास जा पहुंची, भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री रामा को बुरा लगा। उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने श्री रामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण श्री रामा शंखचूड राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। देवी राधा ने व्रस भानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन राधा व्रस भानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री रामा राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और व्रस भानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह एक वैश्य से होगा, वह वैश्य मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विच्छो का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्हें वायु को ही जन्म दिया।